हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। आज मैं आपके साथ में एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ जो कि होने वाला है नोएडा से ऋषिकेश तक का, क्योंकि आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश जो कि है उत्तराखंड में, जिसे हम लैंड ऑफ योगा भी बोलते हैं। तो ये हमारा रोड ट्रिप होने वाला है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल बटन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पॉपअप मिलता रहे। अभी सुबह के 6 बजे हैं, हम 6 बजे घर से निकले थे और मैं पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। हम बाई कार ही जाने वाले हैं और हमारे साथ में दीदी जिया जी, यानी कि मेरे हस्बैंड की सिस्टर और उनके हस्बैंड और उनका बेबी भी है साथ में। नोएडा से ऋषिकेश का रास्ता अबाउट टू 5-6 घंटे का है, लेकिन जैसे ही हमने नोएडा क्रॉस किया फिर हमें बहुत सारा कोहरा मिलना स्टार्ट हो गया था। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कोहरा था, इसके लिए भी हमें थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लग गया। तो फिर चलिए आप भी मेरे साथ इस खूबसूरत से सफ़र में। साढ़े 8 बजे तक जब फॉग वगैरह थोड़ा सा कम हो गया था तो फिर हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। ब्रेकफास्ट के खाने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ था। तो खाने का इस रूट में कोई भी टेंशन नहीं है, बस अब हम यहाँ पे अपने ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं। और हमने लिया हुआ था चाय और तंदूरी पराठे, पराठे में गोभी पराठा, प्याज पराठा, आलू पराठा, ये सारे कुछ थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत टेस्टी था, बहुत सारा बटर लगा के बनाया हुआ था तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और वैसे भी सर्दियों में ये सब बाहर में खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, बस अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। इस टाइम तक फॉग वगैरह एकदम क्लीन हो गया था, सारा कुछ क्लीन था, दिख रहा था। और ये खड़ी है मेरी बल्लो। बस अब हम वापस से चलना शुरू करेंगे और ये व्लॉग बेसिकली ट्रैवल काइंड ऑफ व्लॉग होने वाला है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है बाबा रामदेव का पतंजलि संस्थान, जो कि काफ़ी बड़ा सा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये अच्छी खासी जगह में बना हुआ है ये। और अब हम बढ़ रहे हैं हरिद्वार की तरफ। जब फॉग वगैरह क्लीन हो गया था तब हमारा ट्रिप अच्छे से शुरू हुआ, क्योंकि हमें सब अच्छे से व्यूज़ मिल रहे थे। ये हरिद्वार का ट्रैफिक है, यहाँ पे हमें लास्ट ईयर भी ट्रैफिक मिला था। तो हम यहाँ पे हरिद्वार के बाहर बस एंटर होने वाले हैं हरिद्वार में। और आप देख सकते हैं कुंभ की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा, क्लीन, कलरफुल दिख रही हैं चीज़ें, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने मिल रहे थे, ये आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर रुके नहीं थे, बस हमने क्रॉस किया है हरिद्वार। बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है, पेड़ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था हमें। वी जस्ट क्रॉस्ड हरिद्वार और अब हम राजा जी नेशनल पार्क होते हुए निकल रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घना जंगल है।
उधर देखो ना उधर। अब हम पहुंच चुके हैं योग नगरी ऋषिकेश। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और यहाँ से वो सामने पहाड़ भी दिख रहे हैं। 12:15 तक हम ऋषिकेश पहुंच चुके थे, पर यहाँ से भी 10 किलोमीटर आगे है शिवपुरी, तो आज हम वहाँ जाके रुकेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि कहाँ जाना है, क्या करना है, और नेक्स्ट डे शायद से हम वापस ऋषिकेश आएंगे। फाइनली हम शिवपुरी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम कैंप में रुकने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे कैंप बने हुए हैं। ऐसे कैंप में रुकने में थोड़ा सा अलग फील आता है। तो ये जो सामने दिख रहा है, इस कैंप में ही मैं रुकी हुई हूँ, और यहाँ पर है डाइनिंग एरिया। मास्क आपका वहीं। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में अब हम धूप में ही यहाँ पर लंच करने वाले हैं। जाओ वो भूल गया, पापा को क्या चाहिए, जाओ भूल गया। वो लेके आएंगे सब, लेके उनको पता, मैं सब खाती हूँ। यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आता है। अभी हम यहाँ ही शायद जाएंगे जो सामने। मैंने आपसे दोपहर में बात करी थी, उसके बाद में अब मैं डायरेक्टली शाम में बात कर रही हूँ, क्योंकि लंच वगैरह करने के बाद में हम सो गए थे। तो अब हम जा रहे हैं एक रिवर साइड में। हम कैंप में रुके हुए हैं तो वो काफ़ी हाइट में है, तो बस वहीं से जो व्यू आता है रिवर का, नीचे हम वहीं आए हुए हैं। और लिटरली यहाँ आके इतना ज़्यादा अच्छा लगा था, आप खुद देख सकते हैं कि कितना सुंदर है। हम पहले थोड़ा सा थके हुए थे, तो मेरा प्लान नहीं था नीचे आने का, लेकिन यहाँ आने के बाद में ऐसा लग रहा था कि हाँ, यहाँ आना वर्थ हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप खुद देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। इतना ज़्यादा अच्छा व्यू लग रहा था, बहुत मज़े आ रहे थे। उसके बाद में फिर हमने बोटिंग की, क्योंकि हम राफ्टिंग नहीं कर सकते थे, आरू छोटा है और उसका बोटिंग करने का बहुत ज़्यादा मन था। फिर हम सब यहाँ पे बैठ गए और यहाँ पे हमने बोटिंग करी थोड़ी देर। पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे इनमें से राफ्टिंग भी कर रहे थे, बहुत सारे बोटिंग कर रहे थे। पानी कितना गहरा है ये? गहरा तो होगा 40-50 है। 4 फुट है। काफी गहरा है। सौम्य आराम से आ, पीछे मत जाओ, जाओ भड़क जाओ। बटोरना तक ऐसे आई तो निकाल लो, चले जाओ। वाह मजा आ गया।
चलो। अरे यार पूरा गिर गया। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है और हम जा रहे हैं वापस जहाँ पे हम रुके थे अपने कैंप्स की तरफ। कैंप्स आर वेरी नीट एंड क्लीन और जो खाना है यहाँ का स्नैक्स वगैरह भी वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इस तरीके से रहा हमारा पहला दिन, नया शहर, नया मौसम, नया नज़ारा। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए।